हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पिलर पे लकड़ी जैसा रेशा कैसे बनाते हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इस पिलर पे इस तरह से रेशे कैसे लगाते हैं ब्राउन कलर में वो आप देख सकते हो आगे इस वीडियो में। और इस पिलर पे हमने अस्तर और लापी दोनों लगा दिया था जैसे अच्छी तरह से कलर में फिनिशिंग आ जावे। और यही कलर के अंदर हमने वाइट मिक्स करके हम लाइट कलर करने वाले इस पिलर पे। और इस पिलर पे हम लाइट कलर का ही बेस कोट लगाने वाले हैं वो आप देख सकते हो इस वीडियो में। और ये कलर को अच्छी तरह से मिक्स करके हम फर्स्ट कोट लगाने वाले हैं। और दोस्तों, इस पिलर पे अस्तर और लापी अच्छी तरह से सूख चुका है और यही पिलर पे हम फर्स्ट कोट लगा रहे हैं। और इसी पिलर पे ये कलर के दो कोट लगाने वाले हैं और इसी के ऊपर हम डार्क ब्राउन के रेशे अच्छी तरह से लगा सके और कलर में भी शाइनिंग आ जावे, इसके लिए इस पिलर पे दो कोट लगाने वाले हैं ये लाइट कलर के। और दोस्तों, इस पिलर पे हमने दो कलर लिए हुए हैं वो आप देख सकते हो आगे इस वीडियो में। और दोस्तों, इस पिलर पे हमारा फर्स्ट कोट कंप्लीट हो चुका है और ये फर्स्ट कोट अच्छी तरह से सूखने के बाद हम इसी के ऊपर सेकंड कोट लगाने वाले हैं और आप देख सकते हो आगे इस वीडियो में। और ये कलर को सूखने के लिए हमने 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया था जैसे अच्छी तरह से सूखे। और इस पिलर को अच्छी तरह से सूखने के बाद हम इसी पिलर पे सेकंड कोट लगा रहे हैं वो आप देख सकते हो इस वीडियो में। और दोस्तों, इस पिलर पे हमारा सेकंड कोट कंप्लीट हो चुका है और ये सेकंड कोट अच्छी तरह से सूखने के बाद हम इसी पिलर पे ब्राउन कलर के रेशे लगाने वाले हैं वो आप देख सकते हो आगे इस वीडियो में। और दोस्तों, इस पिलर पे लकड़ी जैसा रेशा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम ब्राउन कलर लिया हुआ है जो एशियन पेंट का है वो आप देख सकते हो। और यही ब्राउन कलर में हमने टर्पेंटर मिक्स किया हुआ है जो कलर को पतला करने के लिए। और यही कलर को अच्छी तरह से मिक्स करके हम यही पिलर पे रेशे बना रहे हैं और इस पिलर पे रेशे अच्छी तरह से लगा सके इसके लिए ये कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है वो आप देख सकते हो इस वीडियो में। और दोस्तों, ये कलर के दो कोट लगाने के बाद ये कलर में भी शाइनिंग आ जाती है वो आप देख सकते हो। और इस पिलर पे रेशे भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस पिलर पे हमारा रेशे का काम कंप्लीट होने के बाद हम इसी पिलर पे शाइनिंग के लिए वार्निश लगाने वाले वो आप देख सकते हो आगे इस वीडियो में। और दोस्तों, इसके ऊपर ज़्यादा शाइनिंग लगाने के लिए आप वार्निश भी लगा सकते हो और टचवर भी लगा सकते हो। और दोस्तों, ये पिलर पे हमारा रेशे का काम कंप्लीट हो चुका है और ये कलर अच्छी तरह से सूखने के बाद हम इसी के ऊपर वार्निश लगाने वाले हैं वो आप देख सकते हो आगे इस वीडियो में। और इस पिलर पे शाइनिंग के लिए हमने 200 ग्राम क्लियर वार्निश लिया हुआ है वो आप देख सकते हो। और ये क्लियर वार्निश के अंदर हमने हल्का सा ही टर्पेंटर मिक्स किया हुआ है जैसे शाइनिंग अच्छी तरह से आ जावे ये पिलर पे। और ये क्लियर वार्निश को अच्छी तरह से मिक्स करके हम यही पिलर पे वार्निश लगा रहे हैं जो ब्रश से ही लगा रहे हैं वो आप देख सकते हो इस वीडियो में। और दोस्तों, ये पिलर के बीच में हमने क्रीम कलर ही रखा हुआ है जो लाइट कलर है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जैसे हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले हर वीडियो की। और दोस्तों, इस पिलर पे हमारा वार्निश का काम कंप्लीट हो चुका है जो हमने वार्निश लगाया था इस पिलर पे। और इसकी शाइनिंग भी आप देख सकते हो कैसी लग रही है जो हमने ब्राउन कलर पे ये पिलर लिया हुआ है वो आप देख सकते हो इस वीडियो में।
और दोस्तों ये पिलर फाइनल होने के बाद ये पिलर का कलर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं जो ब्राउन कलर पे लिया हुआ है। और दोस्तों ये पिलर फाइनल होने के बाद हमने ये खिड़की को भी एयर ऐसे लगा दिए थे जैसे दोनों की पॉलिश एक जैसी लगे, और इसके ऊपर भी हमने वार्निश लगाया हुआ है वो आप देख सकते हो इस वीडियो में।